मन भी नहीं था मेरा तो इस बार जाने। और बाकी सब यहाँ लड़के खड़े हैं, लड़कियों को देखना, देखो फोकस से। बाकी ऑडियंस देखो, माँ कसम भाई हमने इतना अच्छा खासा शो कर दिया और ऑडियंस ही गायब है। हमसे पहले वाली परफॉर्मेंस इतनी लंबी और इतनी बोरिंग हो गई थी ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दो दिन बाद DIT में यूथोपिया है, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फैशन शो में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें एक्चुअली हमारा इंस्टेंट प्लान बना, कल ही हमारा प्लान बना कि पार्टिसिपेट करेंगे। तो कल हमने सारे बच्चे डिसाइड करें कौन कौन बच्चे होंगे, क्या क्या होंगे। कल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, कल इतना कुछ खास हुआ नहीं, हम आधे घंटे मिल पाए क्योंकि कल संडे था। आज हमने सोचा आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और सीन ये है आज मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी है, देखते हैं क्या रहता है। पर प्रैक्टिस भी जरूरी है क्योंकि कल शो है, तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, पर डोंट नो वरीज, कर लेंगे सब मैनेज। बस होपफुली आज सारे बच्चे आ जाए, जो कि मुझे लग रहा है नहीं आने वाले। कुछ कुछ नए मॉडल्स भी, क्योंकि काफ़ी पुराने मॉडल्स जो हमारे थे वो पास आउट हो गए, जैसे कि मयंक हो गया, बलोदी हो गया। देखते हैं क्या रहता है, फटाफट तैयार होकर मैं निकलता हूँ, कॉलेज प्लेसमेंट भी है, प्रैक्टिस। तो दर्शकों, फाइनली कॉलेज पहुँच चुके हैं हम, और आयुष भाई मिल चुके हैं यहाँ पे। और बात यह है कि कोई भी प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, और कल शो है। कल हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी और कल शो है, और अभी तक कोई नहीं आया प्रैक्टिस के लिए। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज कॉल लगी जा रही है मीनू दीदी को, भाई औरत ना बहुत दो के बाद है, अगली बार से तो उसको लेना नहीं है। पर फिलहाल व्लॉग में आ गए, हाँ पर फिलहाल इंतजार करता है, कोई तो आए भाई। दोस्तों अगर एक चीज़ बताओ तुम्हें, तो अभी मेरी चल रही है प्लेसमेंट। एक आपको, एक मैं हूँ, एक त्रिलोक है, चौथा लड़का कौन था, प्रियांशु भाई कहाँ है? प्रियांशु भाई अभी घर पे हैं, प्रियांशु भाई सो रहे हैं, और तेरा दोस्त है प्रियांशु, कॉल करने आ रहा है। क्लास है यार, वो आ गया था 9 बजे, और मेरा अभी चल रहा है अंदर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट छोड़ के मैं आया हूँ, अब किस कंपनी का प्लेसमेंट चल रहा है तो बताऊंगा नहीं मैं, पर प्लेसमेंट छोड़ के तो क्या, प्लेसमेंट में अभी ग्रुप डिसीजन चल रहा है, मेरा राउंड आया नहीं, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आया हूँ, कोई आया ही नहीं भाई। और इधर एक एक करके कॉल करके सबको बुलाया जा रहा है, बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों सीन ये है कि फाइनली प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे प्रियांशु भाई हैं, आगे आयुष के दोस्त है आयुष भाई, और इधर त्रिलोक भाई हैं, और वो सामने अपना भी खड़ी है। पर अभी दिक्कत ये आ रही है, एक लड़की ने हमें डिच कर दिया है, जिस लड़की से उम्मीद थी। अब हमें कल शो है, अभी नई लड़की चाहिए जिसको हम मॉडलिंग प्रैक्टिस करा सकें, और अभी तक हमें कोई मिली नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिस तो चल रही थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। इधर प्रियांशु भाई और बाकी सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और प्रैक्टिस का अपडेट है कि अभी हमें पता ही नहीं है सारे बच्चे कौन है। अब देखते हैं करना है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मजा नहीं आ रहा है, बाकी हो जाएगा जो होगा, बढ़िया है। भाई जी आप कुछ कहना चाहोगे? भाई जी थोड़े नए हैं, भाई जी आयुष के दोस्त हैं, कुछ कहो भाई। बाकी यहाँ पे जाना, डिस्कशन चल रहा है अभी, सीवियर डिस्कशन। चलो फिर घर चले। हाँ तो गाइस कपड़े भी तो लाने हैं हमको, कपड़े तो है नहीं, तो कब करेंगे? 4 तो बज गई है यहाँ पे। घर जाते हुए जिम जाऊँगा। जिम तो जाएगा, तो जिम कैसे नहीं जाएगा बताता हूँ। जिम जाऊँगा 8 बजे, फिर तो 2 बज जाती है, फिर सुबह उठ के 9 बजे बुला देंगे, और मैं 9 बजे उठता हूँ, आऊँगा मैं 10 बजे तक, फिर मैं आऊँगा 11 बजे तक। ठीक है, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट पहुँच गया, 10 मिनट तो डे 2 मतलब डे 2 कह रहा हूँ, 3rd डे है प्रैक्टिस का, और आज ही शो है। और सीन ये है, सुबह 9 बजे से प्रैक्टिस रखी गई थी, 9:30 हो गए हैं, कोई नहीं आया है, पता नहीं क्या होने वाला है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई है, बच्चे आ नहीं दे रहे हैं अभी तक, सारे बच्चे हमें पता नहीं है कौन है, सारे बच्चे एक साथ अभी तक आए भी नहीं है प्रैक्टिस में, देखते हैं क्या रहता है। काफ़ी संघर्ष के बाद फाइनली प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, सामने देखो प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। आयुष भाई बने हैं अपने कोरियोग्राफर द प्रैक्टिस करा रहे हैं आयुष भाई। और सीन ये है कि शाम को निकलना है, 2:30 बजे के आसपास हमें यहाँ से DIT के लिए, और अब तो प्रैक्टिस चल रही है फिलहाल, यहाँ पे देख सकते हैं आप। भाई ने पूरा रात को बैठ के विजुअल्स एडिट किया है, भाई ने करा विजुअल्स एडिट। हेलो आयुष, न्यूबी फ्रेशर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मॉडलिंग में फ्रेशर, ओके ओके, थप्पड़ मारूंगा, थर्ड ईयर पिताजी ने भेजा। दोस्तों प्रियांशु भाई अभी तक नहीं आए, फन फैक्ट की बात तो ये है। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर से ड्रेसेस, और यहाँ पे हमारे नल्ले बेरोजगार लड़के, किसी के पास कपड़े नहीं, लड़कियों की ड्रेस देखो यार, और वो भी एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, कोई लेना पसंद करे तो ले सकते। प्रियांशु प्रियांशु तेरे पास कपड़े नहीं है ना, देखो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, वाह यार नंगे भाई। कुछ शो से पहले आप कहना चाहेंगे? यार कपड़े दे दी ना वंशिका दीदी। श्वेता शर्मा आप कुछ शो से पहले कहना चाहेंगे? क्रेजी कमाल की बात, मन भी नहीं था मेरा बस बस ये तो डालूंगा, ये तो सबसे पहले डालूंगा मैं, मन भी नहीं था मेरा जाने का। या बस दिख रही है एक्साइटमेंट शक्ल से टेलर साहब। दोस्तों ये इंसान
आया निकला नहीं था तो बता बता रहे देखा देखा निकला नहीं था भाई तेरे को बोला आधी रात से वापस गया देखा निकला ही नहीं था अभी अभी थोड़ी देर अभी रेडी हो रहा था जूते पहन रहा था अभी थोड़ी देर बोलेगा तो बिस्तर से नहीं उठा था साढ़े आठ बजे कॉल किया समय से आना और 9:30 बजे हम भूखे यहाँ पहुंचे मैं तो खाना खा के आता हूँ यार अरे तो खाना बन गया खा के आता हूँ दोस्तों बड़ी समस्या है जीवन में हम लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे इतने में लड़कियों ने कहा कि हम ट्राई कर लेते हैं ड्रेस अब एक घंटे से लड़कियाँ ड्रेस ट्राई कर रही है अब सारे लड़के यहाँ पे ठप्पड़ चुके हैं देख सकते हो आप क्या कर रहे हैं तो जैसे जैसे करके फाइनली प्रैक्टिस तो हमने करा दी है अब यहाँ पे लड़कियाँ अपना कपड़े नहीं है वैसे तो फिलहाल और यहाँ पे लड़कियाँ अपना फाइनल वो कर रही है प्रैक्टिस कर रही है देख सकते हो सारी लड़कियाँ एकदम सुंदर तैयार हो गई मतलब ना खड़े तीन लोग भाई कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसा अच्छा लग रहा है अभी प्रैक्टिस है कपड़े नहीं आ रहे आज प्रैक्टिस हो रही है पहली बार हाँ आज ही हो रही है और आज ही इवेंट है और आज ही कपड़े नहीं हुए और दो दिन से हमने प्रैक्टिस शुरू की आज पहली बार सारे बच्चे आए प्रैक्टिस वाले जो भी थे पहली बार में सारे बच्चों को देखा और आज तो हमारी ऑब्वियसली डिजाइनर भी आई है वो उधर डिजाइनर खड़ी है ये मेरे राजा की है ये वापस दो हाँ और फांडा मत चील हरण लड़ो पर आराम दोस्तों जैसा भी था प्रैक्टिस का अब एक फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके बाद सब चले जाएंगे अपना तैयार होने ड्रेसअप होने के लिए या जो भी चीज़ें करनी है जैसे लड़कियों को अपना ना मतलब लड़कियों को थोड़ा कराना था आईब्रोज जो ये सारी चीज़ें कराने चले जाएंगे हम शो से पहले उसके बाद 2:30 बजे के आसपास हम चले जाएंगे DIT के लिए और सामने चल रही है फाइनल प्रैक्टिस देख सकते हो आप सामने कोरियोग्राफर आयुष और बाकी सब यहाँ लड़के खड़े हैं लड़कियों को देखना देखो फोकस से दर्शकों बहुत प्रैक्टिस के बाद फाइनली DIT पहुंच चुके हैं यहाँ पे सब अपने साथ वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और ये सामने DIT के ग्राउंड में स्टेज तैयार हो चुका है और एंट्री में थोड़ी सी दिक्कत आई बाकी तो ठीक है क्या करना चाहेंगे सर दिक्कत लास्ट में बताएंगे ब्लॉग के ये ठंडा इतना प्रॉप सामने देख सकते हैं आप वो सामने है स्टेज जहाँ हमारा इवेंट होने वाला है एंट्री हो चुकी है फाइनली अभी हम ग्रीन रूम पे लेके जा रहे हैं लड़कियाँ तो लिफ्ट में भिजवा दी हमने मतलब हमने जो लड़कियाँ हील्स वील्स पहन के आई हैं तो थोड़ा चलने में दिक्कत आएगी बाकी हम थोड़ी मेहनत करें सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं 4th फ्लोर तक 4th फ्लोर में हमारा ग्रीन रूम होने वाला है फटाफट 4th फ्लोर जाते हैं तो फाइनली दर्शकों पहुंचा जा चुका है अंदर अपने ग्रीन रूम तो नहीं है हमारा है क्योंकि यहाँ पे नहीं कहाँ पे यहाँ पे वो सामने CCTV कैमरे लगे हैं तो कपड़े चेंज करते हुए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी वैसे तो लड़कों का क्या है पर लड़कियों का भी जो ग्रीन रूम है लड़कियों का वहाँ भी कैमरा लगे अब कह तो रहे कैमरा बंद है पर हु नोस क्या पता चल वीडियो यूट्यूब पे नहीं ट्रेंड हो रही है बाकी सामने सुधीर भाई बैठे हैं और ज्वेलरीज आ गए यहाँ पे राजा महाराजाओं के जमाने की देख सकते हो आप ये देखो प्रियांशु भाई को पहनाऊंगा और वाले लूंगा मंगल सूत्र और यहाँ पे अपना लुक दिखा दे रहा अपना तू क्रेजी लग रही अपना एक बार इधर देख अपना इसका लुक देखो इस तक क्रेजी लग रहा है तो यहाँ पे हमारे स्मार्ट लौंडे नंगस्त्र होना शुरू हो चुके हैं और इधर देख सकते हो कपड़े उतर रहे हैं लड़कों के कपड़े उतार दिए DIT वालों ने देख रहे हो आज है आयुष भाई की शादी आयुष भाई शेरवानी पहन के तैयार है आयुष भाई के साथ हर्ष भाई यहाँ पे आयुष भाई के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते शेरवानी पहन गया और यहाँ पे दो पंडित तैयार हो रहे हैं धोती वोती पहन के और शादी में जाने के लिए ऑल सेट मैं भी शेरवानी देखो हीरे सहराबाद के मैं तो आया रे दोस्तों यहाँ पे औरत तैयार हो चुकी है देख सकते हो औरत काफी सुंदर तरीके से तैयार हो चुकी है ना काफी सुंदर लड़की हमारे सामने है यहाँ पे बाकी वो डिजाइनर से अभी आपको मिलेंगे डिजाइनर अभी तैयार नहीं हुई है आप कुछ कहना चाहेंगे शो से पहले अच्छा ऊपर पता सारे लड़के कैसे लग रहे हैं शादी में जा रहे हैं लहंगा तो नहीं अच्छा लगेगा प्रियांशु आप शो से पहले कुछ कहना चाहेंगे जीतेंगे जीतेंगे हम कहने में क्या क्योंकि दोस्तों दूसरों के वो देखे ना कॉन्फिडेंस कम तो हो रहा है क्योंकि यहाँ हम ये कुछ नहीं पहन के आए हैं और दूसरे ने इतने तगड़े तगड़े बन गए ना कई बात है
क्या बता खर्चा करा हो सकता है। बाकी सीन ये दिक्कत ये हो गई कि एक एक लड़की की ना लाल साड़ी खो गई है, अब वो ढूंढनी पड़ रही है हमें, अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ है। सुधीर को मैंने प्रियांशु की कार में बाहर भेजा था और दो तीन लोग इधर उधर देख रहे हैं, वो सुधीर भी आ गया भाई हमें, और अभी देखते शायद इस रूम पे है। अब इस रूम पे ताला लग चुका है, अभी हमने नीचे वॉलंटियर्स बुलाया है, इस रूम पे खोल के एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि पहले यहाँ चले गए थे ना बच्चे तो दिक्कत आई थी। अब देखते हैं क्या होता है। ड्रेस के बारे में, ये मेरा दूसरा फैशन शो है और मेरे मॉडल्स कुछ हो गए हैं। ये वो मॉडल नहीं है ये जो आया था, ये है वो। मेरे को कब बुलाया आपने? पुराने वाली, तो दूसरी पे था ना। ओके, बाकी इधर सब तैयार हो चुके देख सकते हो आप, और अभी जा रहे हैं मतलब नीचे ग्राउंड में बुलावा आ चुका है हमारे जाने के लिए फैशन शो के लिए। क्या हुआ? बहुत सामान है वो तैयार होके सब निकल चुके हैं स्टेज के लिए। पीछे देख सकते हो यहाँ पे सारे ग्राफिक के बच्चे हैं, आगे दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं, और सब हम लोग जा रहे हैं स्टेज में। और अब सीन ये है, सुधीर भाई को हम दे देंगे फोन आगे ताकि फ्रंट से सुधीर भाई बढ़िया वीडियोस बना सकें और व्लॉग भी सुधीर भाई करेंगे। सामने है त्रिलोक भाई, यहाँ पे सबसे आगे लीड कर रहे हैं। अभी त्रिलोक भाई न्यूड होंगे अभी, बाकी अब ज्यादा आगे ग्राउंड पे देखते क्या सीन चल रहा है। तो दोस्तों सामने का सीन देख सकते हो, तो क्रेजी डांस चल रहा है और भाई ऑडियंस भी काफी बढ़िया लग रही है, एनर्जेटिक। देखते हैं अब क्या रहता है। रैंप वॉक तो जो गए यहाँ, तो पूरी ऑडियंस ही नहीं दिख रही है मुझे कोई। क्या कह रहे हो सुधीर भाई, सारी ऑडियंस आ गई? बाकी ऑडियंस देखो, माँ कसम भाई हमने इतना अच्छा खासा शो कर दिया और ऑडियंस ही गायब है। हमसे पहली वाली परफॉर्मेंस इतनी लंबी और इतनी बोरिंग हो गई थी ना। है चुन्नी लेने आया प्रसून अभी वापस। गाइस कैन वी मेक सम नॉइज फॉर द क्वांटम यूनिवर्सिटी। गाइस यहां पे ऐसा हुआ है कि डीआईटी को विनर बनाया है, उन्होंने अपनी ट्रॉफी क्वांटम यूनिवर्सिटी को दे दी है। जो लोग भी बस से जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। कहां की ट्रॉफी दिख नहीं रही हाथ में, ये रही ट्रॉफी। डीआईटी ने अपनी क्वांटम यूनिवर्सिटी को अपनी ट्रॉफी दे दी है। क्या हंस रही है? तो फाइनली इवेंट खत्म हो चुका है और सब यहाँ पे जा रहे हैं घर को फाइनली। और प्रियांशु दी ड्राइवर, ओला के ड्राइवर, उधर भी पैकअप हो चुका है। ना ना कट उसमें, ठीक है। बाकी अब सामान वामान किसी का खोया हुआ तो खोया हुआ, ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी होती है। मिलते हैं सीधे अगले लोगों, बाय बाय। कैसा लगा परफॉर्म करके? पहला शो था इनका, कोई बात नहीं, बाय बाय।